और आज आपने देखा मेरे भांजे भांजियों ने यहां के एसपी को फोन किया था और फोन करके अपनी समस्याएं बताई थी। जब जनता मेरी भगवान है तो भांजे भांजी भी भगवान से कम नहीं है। एसपी ने ढंग से बात नहीं की, उनके साथ बदतमीजी की, तो आज ही मैंने झाबुआ के एसपी को सस्पेंड कर दिया है। और मैं ये साफ कहना चाहता हूं, कोई भी सुन ले, जनता का अपमान करने वाले को मैं किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो गड़बड़ करते हैं वो सावधान हो जाए। ये जो जनता है इसके लिए नौकरी करते हैं, इसी की सेवा के लिए तनख्वाह मिलती है, इसी की सेवा के लिए बंगला गाड़ी मिलती है। और जनता का अगर किसी ने अपमान किया, तंग किया, तो मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा किसी भी हालत में। अगर हम इस जनता के लिए काम करते, अब जनता आवेदन लेके दफ्तर नहीं जाएगी। 31 अक्टूबर तक सरकार, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी गांव गांव में जाके, हर पंचायत में, और चुनाव होने के बाद पेटलावद में भी हर वार्ड में शिविर लगाएंगे। जनता अपना आवेदन दे और उसमें से जो पात्र हितग्राही है उनको योजनाओं का लाभ देने के लिए वही स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जनता नहीं जाएगी, मुख्यमंत्री जाएगा, मंत्री जाएंगे, अधिकारी कर्मचारी जाएंगे, ताकि पूछ पूछ के जनता की सेवा का समाधान कर सके। 31 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। कांग्रेस केवल नाटक नौटंकी करती है। आजकल एक यात्रा निकल रही है, राहुल बाबा निकाल रहे हैं, अब वो आटे के भाव लीटर में बताते हैं, भारत को इतना जानते हैं वो। अब वो कह रहे हैं भारत जोड़ो। भारत तोड़ा किसने था? राहुल बाबा। भारत अगर सबसे पहले तोड़ा था सन 1947 में, तो कांग्रेस ने जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में पंडित जवाहरलाल जी और बाकी नेताओं ने भारत का विभाजन स्वीकार किया था। अगर भारत तोड़ने वाली कोई पार्टी है तो उसका नाम सीधे सीधे कांग्रेस है। तुम भारत तोड़ने वाले हो, तुम क्या जोड़ोगे? वो कह रहे हैं भारत जोड़ो। तो भारत तो जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जैसा भारत आज जुड़ा हुआ, पहले कभी जुड़ा था क्या? अरे टूटा था तुम्हारे काल में, और तुमने धारा 370 लागू करके कश्मीर को भारत से तोड़ने का षड्यंत्र किया था। लेकिन धन्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार ने धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। वो कांग्रेस से सहन नहीं हो रहा, और इसलिए कांग्रेस यात्रा निकाल रही है। लेकिन जब राहुल बाबा यात्रा निकाल रहे हैं तो लोग कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। जहां देखो वही कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी चले गए, गोवा में उनके विधायक चले गए। कांग्रेस टूट रही है, बिखर रही है। और मध्य प्रदेश में भी 18 में उनकी सरकार धोखे से बन गई थी। अभी सांसद जी बता रहे थे झूठे वादे किए, झूठे वचन दिए, कर्जा माफ, बेरोजगारी भत्ता, पता नहीं कौन कौन से वादे। मेरे बहनों और भाइयों, वो सरकार भी लंबी नहीं चली, हमने नहीं तोड़ी। कांग्रेस के लोगों ने देखा कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, तो उन्होंने ही कांग्रेस छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा दे के आए। विधायकी छोड़ी थी और मध्य प्रदेश की जनता ने वोट दे दे के उनको भारी बहुमत से फिर विजयी बनाया, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है।